आज मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगी उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जिसका एहसास तो सबने एक ना एक बार जरूर किया होगा, लेकिन उसे तत्काली इग्नोर भी कर दिया होगा, क्योंकि ऐसा सोच के कि कभी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जीवन में हर चीज संभव होती है, जैसे कि डे और नाइट, गुड और बैड, इसी तरह से नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, यानी कि दो तरह की शक्तियां हमेशा पैरेलल जो है अपना कार्य कर रही होती हैं। बहुत बार आपने देखा है कि कहीं से आपकी पेमेंट आई, कहीं से आपका धन आया, किसी ने भेंट स्वरूप आपके घर में धन दिया, तो जैसे ही आपने उसको अपने संग्रह करने वाले लॉकर के अंदर रखा, आपके घर के धन के अंदर भी उसकी नेगेटिव इम्प्लिकेशंस की वजह से बरकत खत्म हो गई। अचानक बीमारी के ऊपर पैसा लग गया, अचानक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स जो थे उनको मेंटेन करने में आपकी एनर्जी जो है वेस्ट हो गई, प्लम्बिंग के ऊपर खर्चे हो गए, या बेवजह के एक्सपेंसेस ने आपका जीना हराम कर दिया, यानी कि बरकत जीरो। तो क्या ऐसी एनर्जीज कैरी कर सकती है मनी? जी हाँ, बहुत बार आपने देखा होगा कि कहीं से आया हुआ धन आपके धन को भी लेके नष्ट करके खत्म कर देता है। तो आप कैसे समझ पाएंगे कि ये एनर्जी जो आपके घर में आई है, जो मनी आपके घर में आई है, वो सही है या गलत है? आप तो एक ले मैन है, आप तो नहीं जानते कि ज्योतिष में सेकंड हाउस जो है उसका स्वामित्व शुक्र ग्रह की राशि वृषभ के पास है, और वहां पे चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है, और चंद्रमा की खासियत होती है कि वो किसी भी तरह से चार्ज हो जाता है, वाटर चार्ज हो जाता है, और चंद्रमा जो है वो किसी भी तरह की एनर्जीज को बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है और उसको कैरी फॉरवर्ड भी बहुत जल्दी वो करता है। अगर सेकेंड हाउस में किसी के शनि है या किसी के सेकेंड हाउस में राहु है, तो वो उसके हाथ से आया हुआ धन या उसके घर से आया हुआ पैसा आपके पैसे को भी लेके डूब जाएगा। आप तो नहीं जानते, तो आप क्या करेंगे? आपके लिए सिंपल एक रेमेडी है, आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि जब भी आपके घर में कहीं से धन आता है, तो आपको अपने घर के अंदर एक बॉक्स अलग से बना के रखना है, उसमें भगवान के निमित्त आपने कुछ धन राशि उसमें से निकाल के उसमें डालनी है। इसके बाद आपने भगवान से प्रे करनी है कि ये जो भी धन राशि आपके घर में आई है, इसमें वो आशीर्वाद दें और इसमें बरकत दें। इस तरह से जब आप उसे ला के रखेंगे, तो आपके घर में किसी के भी हाथ से, किसी भी तरह के इंटेंशन से आया हुआ धन होगा, वो आपके घर में आके नुकसान नहीं करेगा, बरकत आपके घर की बढ़ जाएगी। तो धन की बरकत को बढ़ाइए, और कहीं से भी आए हुए पेमेंट्स में से थोड़ा सा परोपकार के लिए धन जो है जरूर निकाल के रखिए। इस तरह से आप पाएंगे कि आपके घर के अंदर की समृद्धि भी बढ़ गई और आपके घर में जो बेवजह की परेशानियां थी वो भी कम हो गई। दूसरा, जहां पे आप धन रखते हैं वहां पे स्वास्तिक हल्दी से रोज अगर आप लॉकर के ऊपर या अलमीरा के ऊपर या अपने जो भी आपने मनी बॉक्स बनाया हुआ है उसके ऊपर आप बनाते हैं पूजा के बाद में, तो वो आपके घर की बरकत को बढ़ा देता है। हल्दी से बने हुए स्वास्तिक में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। स्वास्तिक प्रतीक है चारों दिशाओं में एनर्जीज को सर्कुलेट करने का। जब आप हल्दी से इसे बनाते हैं, तो बृहस्पति ग्रह की एनर्जीज जो है वो शनि और राहु की एनर्जीज को विलुप्त कर देती है, और आपके घर में धन का जो अभाव है वो कम होना शुरू हो जाता है, आपके आय के स्रोत जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखते हुए, मेरी इस बात को समझने का प्रयास करते हुए अपने जीवन में अपना के देखें और अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं। गॉड ब्लेस टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि अपडेट्स आप तक समय रहते पहुंचे। धन्यवाद।